हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एमएस वर्ड के थ्रू एक एफिडेविट प्लस लीगल साइज के पेज पे आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं सिंगल फाइल के थ्रू। ओके, तो आप ये देख सकते हैं, ये हमने फाइल अपनी यहाँ पे ओपन कर ली है अपने एमएस वर्ड की, और यहाँ पे हमने अपना जो भी एग्रीमेंट है, यहाँ पे हमने रेंट एग्रीमेंट टाइप किया है, तो टू पेजेस हमारे टाइप हुए हैं। अब इस एग्रीमेंट को हमें एफिडेविट पे प्रिंट करना है, मतलब जो आपका फर्स्ट पेज है ये हमारा एफिडेविट पे आएगा, और जो सेकंड पेज है वो हमारा ग्रीन शीट मतलब लीगल साइज पेज पे आना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि आप इस एमएस वर्ड की सेटिंग इजीली कैसे कर सकते हैं, और एक ही बार में आप लीगल साइज प्लस एफिडेविट पे जो कि A4 साइज का होता है वो आप एक साथ कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने टाइप कर चुके हैं। अब सबसे पहले आपने टाइप करते हुए ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे जो आपका पेज साइज होना चाहिए वो होना चाहिए A4। ओके, तो आपने पेज लेआउट में जाके यहाँ से अपना पेज साइज यहाँ पे सेट कर देना है, यहाँ पे A4। अब A4 सेट करने के बाद अब आपने सेट करने हैं इसके मार्जिन्स। अब मार्जिन्स कैसे लेंगे आप? आपने अपने एफिडेविट का जो आपका फ्रंट पेज है जिसमें आपने प्रिंट करना है, उसको आपने टॉप से डाउन में यहाँ पे मेजर कर लेना है स्केल से। अब जितना भी आपका मेजरमेंट आएगा वो आपने सेट करना है मार्जिन में। अब हमारी नेक्स्ट चीज है कि हमने अपना डॉक्यूमेंट का मार्जिन सेट करना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना रेंट एग्रीमेंट पे यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है टॉप पे। ओके, टॉप पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है मार्जिन्स में। मार्जिन्स में जाने के बाद आपने जाना है कस्टम मार्जिन्स। कस्टम मार्जिन्स में यहाँ पे देखिए तीन टैब्स आ जाएंगे, मार्जिन, पेपर एंड लेआउट। ओके, तो मार्जिन में आपने टॉप मार्जिन में उतना ही आपने मार्जिन रखना है जो आपने मेजर किया है स्केल से अपने एफिडेविट का फ्रंट पेज का। अब हमने मेजर किया है 5.2, तो हमने 5.2 यहाँ पे लिख दिया है, और ये हमारी वैल्यू इंचेस में आएगी। ओके, और यहाँ पे पेपर हमारा A4 है, तो यहाँ पे हमने A4 ही सिलेक्ट कर लेना है पेपर साइज में जाके। ओके, बस आपने इतना करना है और उसके बाद आपने प्रेस करना है ओके। अब जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा मार्जिन है जो 5.2 है, आप देख सकते हैं रूलर से, ये रूलर से आप देख सकते हैं ये 5.2 के गैप पे ये आपका रेंट एग्रीमेंट नीचे आ गया है फ्रंट पेज पे। लेकिन अब आपको मैं छोटा करके दिखाऊं तो प्रीव्यू आप देख सकते हैं तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके 5.2 मार्जिन में आ गए हैं। लेकिन अब हमें चाहिए कि आपका जो फ्रंट पेज है वो आपका 5.2 पे आए और सेकंड पेज आपका लीगल साइज पे आए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका फ्रंट पेज का जो एंड है, एंड में जाके आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, इस वीडियो को पूरी देखिए तभी आपको ये समझ आएगा। तो यहाँ पे आपने एंड पे क्लिक करने के बाद आपने अगेन आपने मार्जिन में जाना है। ओके, मार्जिन में जाने के बाद आपने कस्टम मार्जिन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब दिस टाइम आपने क्या करना है, टॉप पे आपने कर देना है 1, मतलब 1 इंच जो आपका बॉटम का है वही आपने टॉप का रख देना है, और जो पेपर साइज है वो यहाँ पे आपने A4 की जगह अब आपने कर देना है लीगल। ओके, लीगल कर दिया। अब मार्जिन में जाके अब आपने सिंपली यहाँ पे अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट नहीं करना है, होल डॉक्यूमेंट की जगह अब आपने दिस पॉइंट फॉरवर्ड मतलब इस क्लिक के बाद से ओके, एंड देन प्रेस कर देना है ओके। अब ओके करेंगे और मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ छोटा करके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये आपके फर्स्ट पेज है जो हमारा A4 में आ गया है, और 5.2 का यहाँ पे मार्जिन आ गया है, और सेकेंड पेज आपका लीगल साइज में आ गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए थर्ड पेज पे जा रहा है, तो यहाँ पे हम डिलीट प्रेस कर देते हैं, इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं जिससे हमारा एक पेज पे आ जाए, और ये पॉइंट भी हम डिलीट कर देते हैं, तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो दैट्स इट, आपकी ये सेटिंग हो चुकी है। अब आपने करना है प्रिंट, तो प्रिंट करना भी बहुत आसान है। तो या तो आप कंट्रोल पी प्रेस कर लीजिए कीबोर्ड से, या ऑफिस टैब में जाके यहाँ पे प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। अब प्रिंट देना है आपने फर्स्ट पेज में, आपने दो बार प्रिंट देना है, तो फर्स्ट पेज आपने A4 पे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे पेज कर लीजिए 1। ओके, पेज कर लीजिए 1, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे पेज साइज A4 और ओरिएंटेशन हमने होगी पोर्ट्रेट। ओके, और ओके, और आपने अपना प्रिंटर सिलेक्ट कर लेना है, और स्केलिंग आपने यहाँ पे ध्यान रखना है A4 ही करना है, और ओके कर देना है। तो आपका एफिडेविट पे फर्स्ट पेज आपका प्रिंट हो जाएगा 5.2 मार्जिन के साथ। ओके, अब आपने करना है सेकंड पेज प्रिंट, तो अगेन आपने कंट्रोल पी प्रेस करना है, बट दिस टाइम आपने पेजेस 2 करना है। अब
इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है जो अभी आपका प्रिंटर होगा, और उसकी प्रॉपर्टीज में जाके पेज साइज हमने सिलेक्ट कर देना है लीगल। ओके, लीगल और ओरिएंटेशन हमारी अगेन पोर्ट्रेट होगी और ओके। और यहाँ पे स्केलिंग आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे आपने लीगल कर लेनी है और इसको प्रेस कर देना है ओके। अब जैसे ओके प्रेस करेंगे तो आपकी लीगल साइज का डॉक्यूमेंट आपके सामने प्रिंट हो जाएगा आपके प्रिंटर से। ओके, सो इस वीडियो के थ्रू आई होप आपको ये पसंद आई होगी ये वीडियो, और आप एफिडेविट ईजली प्रिंट कर सकेंगे अपने ऑफिशियल काम के लिए या जिस काम के लिए भी आपको चाहिए हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस और भी हम अच्छी बनाते रहें आप सबके लिए। अंटिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।